वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको बताऊंगी क्लास नाइन्थ के साइंस के सिलेबस जो अब सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है उसके बारे में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो थ्री पार्ट्स हैं, तो यूनिट थ्री हैं, उनको कितने कैसे डिवाइड किया है मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब दिस चैनल, और ताकि आपको ये जो जितना भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल है वो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आपको पता है मार्क्स 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसमें जो फर्स्ट यूनिट होगी वो है केमिस्ट्री की, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, वो 27 मार्क्स की होगी। यूनिट टू ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड इट कंटेन 26 मार्क्स। यूनिट थ्री इज मोशन फोर्स एंड वर्क, इसका जो होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो 27 मार्क्स है एंड टोटल इज 80। एंड इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके 20 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनमें क्या क्या सिलेबस है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यूनिट वन है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसमें नेचर ऑफ मैटर्स, इसमें केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, बहुत ही इजी टॉपिक है। उसके बाद में पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ द मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर। एंड थर्ड इज पार्ट का यूनिट वन का पार्ट थ्री है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो ये हुई आपकी यूनिट वन, बहुत ही छोटी सी यूनिट है यूनिट वन। तो अब है नेक्स्ट इज यूनिट टू विच इज द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इट रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला जो पार्ट डिवाइड किया है वो है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपको करना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनिली एंड सेल इंक्लोजन, ये सब आपके टॉपिक्स हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इट इज एनर्जी रिच सोर्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गॉल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिस स्ट्रक्चर एंड देयर नंबर। सेकेंड पार्ट इसका है उसमें है टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली फोर टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, और मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ये आपका टॉपिक हुआ बायोलॉजी का। हेल्थ एंड डिजीजेस, हेल्थ एंड डिजीजेज में हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत आसान है। देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम। उसके बाद है फिजिक्स यूनिट थर्ड, मोशन फोर्स एंड वर्क। तो उसमें आपके लिए है देखिए मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन का चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसमें आपको व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं करना है इसमें, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये सब करना है। नेक्स्ट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में आपको लर्न करना है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, उनका लॉ क्या है, कि सारी की सारी चीज क्या आती है, नीचे आती है, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट में डिफरेंस एंड फ्री फोर्स। वर्क एनर्जी एंड पावर, दिस इज वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, ये तीन पार्ट में आपको मैंने बता दिया है।
अब इंटरनल असेसमेंट में जो है ये यूनिट बहुत आसान थी, जो इंटरनल असेसमेंट में दे दी है यूनिट 4 अवर एनवायरमेंट, एयर वाटर सोयल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कम्बशन, फॉर मॉडरेटिंग, ये आपका ईवीएस का पार्ट है, जो इसमें इन्वायरमेंटल का जो ईवीएस का पार्ट है वो आपका इंटरनल में दे दिया गया है। ऐसे ही बायो जियो केमिकल साइकिल्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये भी आपको अब नहीं करना है, ओनली द पार्ट ऑफ इंटरनल। प्रैक्टिकल्स जो आपके हैं वो हैं ट्यू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, शुगर एंड अलम, सस्पेंशन ऑफ सॉयल, चॉक पाउडर, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं ये वाले, दीज आर द प्रैक्टिकल्स। अगर आप स्कूल जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, उससे पहले आपका बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले करना है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और आपको दूंगी, जिससे आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।